Hi guys, wish you a very very good morning. This is Miyashi Joshi and you're watching me on the channel of Achievers. So here it is 13th of September 2020 and we are going to take today's Hindu news analysis. Okay, so the first news is based on India-China standoff. India-China standoffs cast a shadow on Nathula border trade. While the pandemic stalled business this year, the 200 traders from Sikkim fear LSE tensions may affect their work next year too. Okay, so basically what is happening, India-China standoff se related, India-China disputes jo chal rahe hain, India-China se related jo LSE par ya hum kehte hain Ladakh ke area mein ye jo disputes kafi lambe samay se pandemic ke saath shuru hue hain, ye apne peak par hone ke karan kai sari cheezon ko affect kar rahe hain. Jaise ki already India aur China ke local areas ko to affect kar hi rahe hain, business ko impact kar rahe hain. काफ़ी नेगेटिव जो इम्पैक्ट है हमें देखने को मिल रहा है इन सब चीज़ों का. वहीं पे जो नाथुला बॉर्डर ट्रेड है या नाथुला एरिया है या वो सारी चीज़ें जो सिक्किम के अंदर हो रही है, सिक्किम से रिलेटेड जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्तर पे, बहुत ज़्यादा लेवल पे इफ़ेक्ट की है. 200 ट्रेडर्स जो है इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए हैं, जबकि पेंडेमिक ने ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस इस साल जो है काफ़ी स्टॉल कर दिए हैं. उसी कंडीशन के अंदर सिक्किम के अंदर जो है ये सारी चीज़ें LAC के से रिलेटेड टेंशन्स जो क्रिएट होना, ये पॉसिबली नेक्स्ट ईयर भी इसी तरीके की सिचुएशंस बनाने के लिए उसको जो है हेल्प करेगी. अगर यही सिचुएशंस चलती रही दोनों देशों के बीच में, तो जो पेंडेमिक के कारण जो इम्पैक्ट लॉकडाउन के कारण जो नज़र आया है 200 ट्रेडर्स पे, वो इंडिया चाइना डिस्प्यूट्स के चलते अगले साल भी बना रहेगा. सो दे शुड गो फॉर दिस, दे शुड थिंक फॉर दिस, वो द कंट्रीज हैव टू थिंक अबाउट इट. ओके, सो ट्रेंजिंग ट्रफल इज जस्ट अ मिनट. ओके, या टेंजिंग सेफिल भूटिया सेकेंड जनरेशन ट्रेडर हैं ये नाथुला एंड सिक्किम के तहत. हैज़ बीन डूइंग बिजनेस विद चाइनीज़ ट्रेडर, ये चाइनीज़ ट्रेडर्स के साथ में बिजनेस कर रहे थे पिछले कई सालों से. द गैंगटोक रेजिडेंट गॉट इन टू द बिजनेस इन 2015 में ये बिजनेस में उनके साथ आए थे. आफ्टर हिज अंकल नावांग नोरबू हु स्टार्टेड trading at Nathula when border trade reopened in 2006 hung up these his boots. Basically what is happening, yeah, ek particular person jo hai Tenzing Sefel, uski story batayi hai ki wo aise person hai jo 2015 se hi apne uncle ke sath mein us area ke तहत पिछले कोई कई सालों से जो है चाइना से डील कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे. तो अब जो है, अभी एज ऑफ नाउ आप क्या उम्मीद लगाते हैं, अभी उनका बिजनेस बहुत हाई लेवल पे इफ़ेक्ट किया है इस समर. हाउएवर देयर हैज़ बीन नो ट्रेड बिकॉज ऑफ कोविड-19. कोविड-19 आउटब्रेक के चलते ऑलरेडी जहाँ पे कोई तरह का बिजनेस ना हुआ है ना नज़र आ रहे हैं आसार. एंड एज दे वॉच द ट्रेडिंग सीजन ड्रॉ टू अ क्लोज विदाउट एनी अर्निंग, और इन सारे जो 200 जो ट्रेडर्स हैं जो सिक्किम एरिया के अंदर हैं या जिनका ट्रेडिंग चल रही है चाइना के साथ में, ये सारे काफ़ी मात्रा में इफ़ेक्ट किए हैं इनको. तो मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअली व्हाट इज़ द थिंग हैपनिंग इन बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, ये जो डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स दोनों कंट्री के बीच में चल रहे हैं, ये इंडिया की जो ट्रेडिंग क्षेत्र है या हम किसी का इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड को भी काफ़ी मात्रा में इम्पैक्ट करेगा, कर रहा भी है, और आने वाले इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले ईयर के अंदर 2021 में भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा दोनों देशों के संबंधों के अंदर. ठीक है, हालांकि दोनों ही देश अपने स्तर पे पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि सिचुएशंस को कंट्रोल में लाया जा सके, बट द सिचुएशन इज़ आई कांट से दैट इट कुड बी कंट्रोल्ड, बिकॉज जो कंडीशंस, जो सिचुएशंस दोनों देशों के बीच नज़र आ रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, वो अपने स्तर पे सुलझे हुए नहीं दिख रहे हैं और ना ही आने वाले कुछ समय के अंदर सुलझने की कोई आसार नज़र आ रहे हैं. और जिस तरीके से चाइना अपने स्तर पे पूर्ण रूपेण
जो आधिपत्य है स्थापित कर चुका है, खुद को स्टैब्लिश करने के पूर्ण प्रयास कर रहा है। तो ये उम्मीद या ये आसार लगाना कि या इट विल बी ओके और इट विल गो गुड, और वो लोग जो ट्रेडर्स हैं, 200 ट्रेडर्स हैं सिक्किम के क्षेत्र में, वो कहीं पे भी इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज़ PLA हैंड्स ओवर 5 अरुणाचल यूथ हु स्ट्रेड इन टू चाइना। दे विल बी कैप्ट इन क्वारंटाइन फॉर 14 डेज। चाइना के अंदर थे 5 अरुणाचल के यूथ यंगस्टर्स जो कि PLA ने हमें हैंड ओवर किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल 14 दिन तक उन्हें जो है क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उसके बाद अपने अपने घरों को भेजा जाएगा। PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑन सैटरडे, या इट इज़ द पार्टी ऑफ चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी, सो द गवर्नमेंट हैंडेड ओवर दी 5 अरुणाचल प्रदेश यूथ टू इंडियन आर्मी। 5 हमारे अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को जो कि चाइना में कार्यरत थे, उन लोगों को चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा लौटाया गया है। 800 किलोमीटर से ज़्यादा जो है ईस्ट ऑफ वेयर दे स्ट्रेट बियॉन्ड दी मैकमोहन लाइन सेपरेटिंग द टू कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ के बीच में मैकमोहन लाइन्स जो है, मैकमोहन लाइन के ऊपर उन्हें बियॉन्ड दैट दे हैव बीन स्ट्रेट। एंड द नेक्स्ट इज़ द 5 विल बी हैंडेड ओवर टू देयर फैमिलीज इन नाचो एरिया। नाचो एरिया के तहत जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे उन पांचों को अपने अपने परिवारों को सौंपा जाएगा, लेकिन उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन पहले सरवाइव करना होगा। ठीक है, आर पर्सनल रिसीव्ड 5 यूथ ऑफ किबिथू। किबिथू के हैं पांचों ही युवा, और जो फॉर्मेलिटीज़ है दोनों देशों के बीच, वो सब कंप्लीट होने के बाद में, सारी सिचुएशंस नॉर्मल होने के बाद में, इन पांचों ने युवाओं को जो है हमारे देश क्षेत्र में ही, हमारे देश में हम वापस लेकर आए हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट इट। द नेक्स्ट इज़ व्हाई इज़ Phase 3 ऑफ वैक्सीन ट्रायल कॉम्प्लिकेटेड। Phase 3 का जो ट्रायल है वैक्सीन का, वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? फर्स्ट और सेकंड तो ऑलरेडी हो चुके हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन Phase 3 का जो ट्रायल है वो कॉम्प्लेक्स क्यों है? ठीक है, विथ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका अनाउंसिंग रिजम्पशन ऑफ COVID-19 वैक्सीन ट्रायल्स, हाउ विल द प्रोसेस बी मॉनिटर्ड फॉर सेफ्टी? सेफ्टी मॉनिटर्स के साथ, सेफ्टी मेजर्स के साथ में कैसे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, और कैसे थर्ड लेवल का टेस्ट है उसे फॉलो किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, ऑन सैटरडे द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने बताया कि वो अपने क्लिनिकल ट्रायल्स जो है न्यू कोरोना वायरस वैक्सीन से रिलेटेड, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, और UK से रिलेटेड जो भी साइट्स हैं वहाँ इन सब पर कार्य चल रहा है। एंड ऑन ट्यूजडे द UK बेस्ड बायोफार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका हैड सेड, UK बेस्ड कंपनी है ये बायोफार्मा की एस्ट्राजेनेका, उसने बताया ट्यूजडे को हमें दैट इट वॉज सस्पेंडिंग द Phase 3 ग्लोबल ट्रायल ऑफ AZIDI या D1222 द COVID-19 वैक्सीन इट हैज़ बीन डेवलपिंग विथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं वो इस वैक्सीन पर कार्य कर रहे हैं। दी वैक्सीन बाय ऑल अकाउंट्स वाज अमंग द हैंडफुल दैट हैड रीच द फाइनल, करीब करीब फाइनल हो चुकी थी वैक्सीन, सारे जितने भी टेस्ट से जाना है, जितने भी हाथों से जाना है, वो सब जा चुकी थी। एंड फाइनल जो है उसका जो जहाँ पे कार्य था, तो फाइनल जो ट्रायल था, जो थर्ड ट्रायल कह सकते हैं हम जिसे फाइनल ट्रायल, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुआ नज़र आ रहा है। हाउ आर वैक्सीन्स एंड ड्रग्स टेस्टेड इन ट्रायल्स? ट्रायल्स के अंदर वैक्सीन्स और ड्रग्स को कैसे टेस्ट किया जाता है, उसका थर्ड फेज़ का क्या लेना देना है फर्स्ट और सेकंड से, और थर्ड फेज़ क्यों फर्स्ट और सेकंड से अलग है और क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई है। व्हेन द स्केल एंड स्कोप ऑफ अ ट्रायल इंक्रीजेज, जब
एक ट्रायल की हम कह सकते हैं उसका स्कोप या फिर स्केल जो है वो बढ़ जाता है ट्रायल्स का, एंड एडवर्स पॉपुलेशन सॉरी डाइवर्स पॉपुलेशन ग्रुप इज़ एक्सपोज्ड टू अ न्यू वैक्सीन, द ऑड्स ऑफ एनकाउंटरिंग एडवर्स रिएक्शन आर मैग्निफाइड. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. वॉट हैज़ द इंडिपेंडेंट रिव्यू सेड, वॉट हैपेंड इन द केस ऑफ एस्ट्राजेनिक, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई हैं. वॉट हैपन्स इन फेज फोर, फेज फोर में क्या क्या होगा, है ना. ड्रग और वैक्सीन वैक्सीन कैंडिडेट दैट क्लियर्स फेज थ्री इज़ यूजली अप्रूव्ड एंड लाइसेंस्ड एंड द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी हैपन्ड बाय द टाइम. ओके, सो अल्टीमेटली देखिए फोर ट्रायल्स बेसिकली होते हैं जिसमें फर्स्ट और सेकेंड ट्रायल ऑलरेडी वैक्सीन क्रॉस कर चुकी है. थर्ड फेसेस क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ट्रायल इस लेवल पे किए जाते हैं जहाँ पे ह्यूमंस को जो है ट्राई किया जाता है. आपको पता है कि थ्री फेजेस में ट्रायल होते हैं, एनिमल्स फर्स्ट ऑफ ऑल रैट देन मंकी एंड देन ह्यूमंस, और थर्ड फेज में जब जैसे ही ह्यूमंस पे ट्रायल कंप्लीट हो जाता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आता है, तो फोर्थ ट्रायल के अंदर, ट्रायल मतलब फोर्थ जो स्टेप होता है, फोर्थ जो फेज़ होता है उसके अंदर जनरली लाइसेंस प्रोवाइड करवा दिया जाता है, एंड द कंपनी इज़ और द ड्रग डीलर और ड्रग मैन्युफैक्चरर और द वैक्सीन इज़ पर्टिकुलरली रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्रायल एट ऑल. ओके, सो व्हाट हैज़ द इंडिपेंडेंट रिव्यू सेड अकॉर्डिंग टू रिलीज़ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसेंट रिलीज के बेसिस पर द इंडिपेंडेंट रिव्यू प्रोसेस हैज़ कंक्लूडेड एंड फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ बोथ द इंडिपेंडेंट सेफ्टी रिव्यू कमेटी एंड द यूके रेगुलेटर MHRA, द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसीज. ट्रायल्स will restart in the UK. We are committed to the safety of our participants and the highest standard of conduct in our studies and will continue to monitor safety closely, the release said. So basically what has been said ki UK regulators jo hai unka ye kehna hai, committee ka ye kehna hai ki MHRA aur jo regulating authority hai wo is par kaam kar rahi hai, और जैसे ही रिव्यू क्लियर हो जाएगा. अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उनका ये भी कहना है कि हम अपनी कमिटमेंट पर और अपने कमिटेड जो पर्सन्स है जो हमसे रिलेटेड है और जिस पे काम कर रहे हैं उसके सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसी के बेसिस पर जो है बेस्ट रिजल्ट्स देने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं जल्दी ही ये बाहर आएगी चीज़ें, ठीक है, क्लियर होगी. तो फेज़ फोर में क्या होगा, अ ड्रग और वैक्सीन कैंडिडेट दैट क्लियर्स फेज़ थ्री, जो ड्रग और वैक्सीन कैंडिडेट है वो फेज़ थ्री में क्लियर हो जाता है, इज़ यूजुअली अप्रूव्ड, वो यूजुअली अप्रूव हो जाता है और लाइसेंस उसको मिल जाता है और वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का वो पैक वो अपना रैंप अप कर सकते हैं, प्रोड्यूसिंग प्रोसीजर जो है उसे फॉलो कर सकते हैं और आगे जो है वर्कआउट करना, लॉजिस्टिक वर्क्स एंड जो कंज्यूमर्स है उन तक पहुंचना, लाइसेंसिंग होना, ये सब चीज़ें हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रायल्स होते हैं, थर्ड ट्रायल जो है फाइनल ट्रायल होता है और अगर वो क्लियर हो जाता है तो फोर्थ ट्रायल के अंदर कंपनी जो है या जो प्रोड्यूसर है इंडिया इंट्रोड्यूस जिसने किया है वैक्सीन को वो उसके ऊपर पूरी तरीके से लाइसेंस प्रोवाइड करवा के काम करना, प्रोडक्शन पे काम करना स्टार्ट कर देगा और अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचने या वैक्सीन के पेशेंट्स तक पहुंचने की जो जो गति है वो तेज़ हो जाएगी. ओके, तो इट इज़ ऑल अबाउट इट. तो जो ये थर्ड फेज़ है ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्या रोल है इसका, इसके क्या स्केल और स्कोप्स नज़र आते हैं इन सारी चीज़ों के जैसे जैसे ट्रायल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे, तो और उसका डाइवर्स पॉपुलेशन जो ग्रुप है इज़ एक्सपोज टू अ न्यू वैक्सीन, और नए वैक्सीन की तरफ जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग टू अ न्यू वैक्सीन, द ऑड्स ऑफ एनकाउंटरिंग एडवर्स रिएक्शन आर मैग्नीफाइड, पूरी तरीके से वो सारे पॉइंट्स मैग्नीफाई कर लिए जाते हैं जो एडवर्स रिएक्ट करेंगे, है ना. तो ये सारी चीज़ें थर्ड फेज में फाइनल टच दिया जाता है और फाइनलाइज किया जाता है विथ अ स्ट्रिक्ट मैनर ऑफ अकाउंटिंग. ओके,
और उसके साथ ही फोर्थ के अंदर उसे लॉन्च कर दिया जाता है. इट इज़ ऑल अबाउट द वैक्सीन्स एंड द लॉन्चिंग ऑफ वैक्सीन्स. द नेक्स्ट इज़ आर देयर री इन्फेक्शन फियर अराउंड COVID-19. क्या COVID-19 के कारण या COVID-19 का जो कहर है वो री इन्फेक्टेड है? क्या ये वायरस री इन्फेक्ट कर सकता है आपकी बॉडी को? ये क्या ये डर की बात है कि री इन्फेक्शन के कारण कहीं COVID-19 जो है और भी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में रिएक्ट ना कर जाए हमारी बॉडी में. पॉजिटिव इट मीन्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स ऑफ COVID-19. इट मीन्स कोरोना वायरस अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर ना जाए हमारी बॉडी के अंदर. ये जो है एक डर की बात बता रहे हैं. चारों तरफ ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि री इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए. मतलब कोई पर्सन जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था अब वो ठीक हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से केसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, जो स्पीड दिखाई दे रही है COVID-19 की, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर यही चलता रहा तो दोनों जो सिचुएशंस है, चाहे जो जो ऑलरेडी इफेक्टेड या हम कह सकते हैं जो इन्फेक्टेड पीपल हैं वो, और जो नहीं भी हैं, उन दोनों को इफ़ेक्ट कर सकता है COVID-19 का फिर से अपनी पीक पे होना. जैसा कि आप सभी को पता है कि इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी बिल्डिंग या इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है आपकी बॉडी की, तो वो आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती है या इम्यूनिटी बिल्डिंग जो हार्मोन्स है आपकी बॉडी में, वो इसके इन्फेक्शन COVID-19 से लड़ लेते हैं. लेकिन क्या वो लॉन्ग टाइम तक लड़ने के लिए कैपेबल हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर COVID-19 के अंदर यदि री इन्फेक्शन हो जाता है क्रिएट आपकी बॉडी के अंदर, तो फिर से वही चीज़ें क्रिएट होती है. तो क्या आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ है वो आपको इन सब चीज़ों से बचाता है, वो आपको इन सब चीज़ों से पुनः जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के रूप में खड़ा होकर के वो एंटीबॉडी वर्क करता है या नहीं? आपकी इम्यूनिटी कब तक काम करती है? व्हाट आर WHO एंड साइंटिस्ट से अबाउट एंटीबॉडीज़ के लिए WHO और साइंटिस्ट का क्या कहना है, वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं. वाइल द फियर ऑफ COVID-19 री इन्फेक्शन हैज़ डॉज्ड डिस्कशन ऑन द नोवल कोरोना वायरस, इट वॉज इन लेट ऑगस्ट दैट द फर्स्ट कन्फर्म्ड केस ऑफ री इन्फेक्शन वॉज ऑफिशियली रिकॉर्डेड. ऑफिशियली अगस्त में पहला ऐसा केस था, जो फर्स्ट केस था जो कि री इन्फॉर्मेशन के लिए कंफर्म किया गया था. ओके, एक 33-year-old चाइनीज़ मेल जो कि हांगकांग से थे, उन्होंने अपने सेकेंड टाइम इन्फेक्शन के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई. ठीक है, यूरोप के अंदर एक ट्रिप के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें फिर से जो है COVID-19 के सिम्टम्स नजर आए, और फिर टेस्ट करवाने पर पता चला कि वो फिर से COVID-19 पॉजिटिव आ गए, जबकि वो ऑलरेडी रिकवर कर चुके थे. 4.5 months आफ्टर ही फर्स्ट टेस्टेड पॉजिटिव, पहली बार पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद में, अगेन 4.5 महीने बाद फिर से पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई उनकी. पोस्ट टेस्टिंग जीनोमिक सीक्वेंसिंग मेड इट क्लियर दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड इन्फेक्शन इन्वॉल्व वेरियंट्स ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस. दिस सीम्ड to rule out viral shedding or continuing infection from the first time. Subsequently, the case of reinfection in Nevada, US was also similarly revelatory thanks to viral genome sequencing. Viral genome sequencing जो है वो हमें फिर से उसके एडवर्स इफेक्ट से बचाता है, और COVID-19 जिसको reinfected हो भी जाता है या reinfection का जो प्रक्रिया है वो हो भी जाती है अगर किसी के बॉडी के साथ में, किसी की बॉडी एंटीबॉडीज़ जो हैं या जो चीज़ें वर्क कर रही है उसके रिगार्डिंग वो एज ऑफ नाउ एक्टिव नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन का या COVID-19 का या इस वायरस का पुनः आपकी बॉडी में आना या री इन्फेक्टेड क्लियर रिपोर्ट्स शो होना कि फिर से आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे क्या डर है, वो सारी चीज़ें यहाँ बताई हैं. तो क्या ये आइसोलेटेड केस होते हैं? क्या ये आपकी इम्यूनिटी उस समय वर्क करती है कि फिर जब आप फिर से COVID-19 से जो है सफ़र कर रहे हैं या इन्फेक्टेड पाए गए हैं? एंड व्हाट डज इट मीन फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए कितना क्या मतलब रखता है, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं. मारिया वैन खेरकोवे ऑफ द WHO says, WHO की जो मारिया हैं उन्होंने उनका ये कहना है दैट देयर हैव बीन मिलियन ऑफ COVID-19 केसेस, जहाँ पे मिलियन ऑफ COVID-19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं अब तक,
दैट री इन्फेक्शन पॉसिबिलिटी हैव टू बी स्टडीड एट द पॉपुलेशन लेवल. तो पॉपुलेशन लेवल के स्तर पर जो अगर बात की जाए और जो टेस्टिंग वगैरह की बात की जाए तो री इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बनती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है. COVID-19 के री इन्फेक्शन का जो डर है उससे उसको यहाँ डिस्कस किया गया है. द नेक्स्ट इज़ हैज़ इकोनॉमिक स्लो डाउन हिट EPFO अर्निंग. क्या इकोनॉमिक स्लो डाउन जो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से धीमी गति के समाचार बन चुकी है वो EPFO की अर्निंग्स को हिट करेगी. वाई हैज़ द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नॉट येट पेड इंटरेस्ट फॉर फिस्कल ईयर 19-20 के इंटरेस्ट क्यों नहीं पेड किए गए हैं EPFOs द्वारा. तो वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है. इन मार्च के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ CBT के जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPFO जो है CBT's का, वो उसने रिकमेंड किया एंड 8.5% इंटरेस्ट पेमेंट पे आउट टू मेंबर्स फॉर फिनेंशियल ईयर 20. फिनेंशियल ईयर 2020 के लिए जो मेंबर्स हैं इसके उन्हें 8.5% का इंटरेस्ट पे करने का रिकमेंडेशन दिया है. और एट अ मीटिंग अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के अर्लियर टाइम में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, या द CBT रिटायरेटेड इट्स रिकमेंडेशन आफ्टर अ रिव्यू टू द सेंटर. द पे आउट वुड कंप्राइज 8.15% इंटरेस्ट बेस्ड ऑन इनकम फ्रॉम डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड द बैलेंस of 0.35% would be credited from the sale of a part of its investment in exchange trade fund, that is capital gains, subject to their redemption by December 31st. The CBT also recommended that such capital gains be accounted for as income or as on exceptional basis of 2019-20. So basically, what will be the results of employees provident fund organization EPFO's earnings, and what will be the impact of economic slowdown on the EPFO earnings, it has been discussed here. Where does the EPFO invest to generate returns, and what will be the changes this time around? What can be the situation? It could seems but seems yeah it could but seems unlikely as of now. क्या ये situations change होगी, क्या इस situation को बदला जा सकता है? तो yeah, it could be, but अभी as of now we can't say like this. For example, if the stock market collapse again, अगर फिर से stock market के जो है वो collapse हो जाता है, and if the ETF dilution does not bring in the expected return, अगर ETF delusions है जो कि वापस time पे return नहीं माने जाते हैं या पुनः जो है लौटाए हुए नहीं माने जाते हैं या प्राप्त नहीं होते हैं, तो 0.35% जो है interest rate का उसे reduce किया जा सकता है. और इसके कारण जो है काफ़ी इम्पैक्ट जो है EPFO अर्निंग्स पे देखा जाएगा. ठीक है, हाउएवर द CBT मेंबर सेड, CBT मेंबर्स ने करेंटली बताया दैट देयर इज़ नथिंग द बोर्ड फोरसीज दैट कुड एंडेंजर द रिटर्न. ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देखकर कि हम ये कह सकें कि जो भयावह सिचुएशन है इकोनॉमिक की उसको लेकर के और आपकी EPFO अर्निंग्स पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. वी डोंट नो, बट हेयर वी कैन से लाइक दिस दैट या अगर कुछ सिचुएशन कुछ स्ट्रैटेजीज को चेंज किया जाता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें अपने ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा सकती हैं. तो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज के इकोनॉमिक स्लोडाउन को देखते हुए क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट या हम लोग उठा सकते हैं सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए. इकोनॉमिक सिचुएशन जो पूरी तरीके से नेगेटिव वे में जा चुकी है, बिल्कुल माइनस हुई जिस तरीके से हमारी GDP की कंडीशन जा रही है, उन सब चीज़ों को देखते हुए यू हैव टू क्लियर कि इकोनॉमिक स्लो डाउन EPFO अर्निंग्स को किस हद तक प्रभावित करेगा या हिट करेगा. ओके, तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ बताई गई. द नेक्स्ट इज़ फॉरेन फंड्स एंड NGOs. हाउ डज द फॉरेन फंड एक्ट्स फॉरन कंट्रीब्यूशन एक्ट कंट्रोल डोनेशंस को कंट्रोल करने के लिए, या जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट है वो किस हद तक और कैसे कार्य करता है,
हु कम्स अंडर इट्स एम्बिट, इस पूरे एम्बिट के अंदर जो है, इस पूरे स्टोरी के अंदर किन किन को इंक्लूड किया गया है, कौन इसके अंदर अंडर में आता है। द लाइसेंस ऑफ 13 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनजीओ जो है, 13 एनजीओ जो कि सस्पेंड हुए हैं FCRA एक्ट के तहत, 2010 के एक्ट के तहत जो सस्पेंड हुए हैं इस साल। दे आर FCRA सर्टिफिकेट्स, उनके जो FCRA सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और बैंक अकाउंट को भी फ्रोजन कर दिया गया है। क्यों हुआ ऐसा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि सीरियस एडवर्स इनपुट्स के कारण हमने ये कंडीशन क्रिएट किए हैं या हमने ऐसा स्टेप उठाया है। ठीक है, इनका जो वर्किंग है, इनका काफ़ी जो NGOs ऐसे हैं जो FCRA के अंडर में, ट्राइबल एरियाज़ के अंडर में आते हैं, तो उनके ऊपर जो है, उनके अकॉर्डिंग जो जो रिएक्शन, जो एक्शन लेने हैं वो उसके अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। द लाइसेंस ऑफ एटलीस्ट 2 NGOs वर्किंग इन झारखंड हैज़ बीन सस्पेंडेड, जो 2 NGO झारखंड में कार्य कर रहे हैं उनके लाइसेंस को एटलीस्ट सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, वॉट इज़ द FCRA? FCRA क्या है? FCRA बेसिकली जो है, फॉरेन डोनेशंस जो भी आ रहे हैं, फॉरेन से जो भी पैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें फॉरेन कंट्रीब्यूशन को मैनेज करने, उसके ऊपर काम करने, उसके एडवर्स इफेक्ट को देखने, उसके इंटरफेरेंस इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए जो चीज़ें मैनेज करता है, जो कम ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, वो बेसिकली FCRA है। ठीक है, FCRA किन किन चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है, किन ग्रुप्स, NGOs और एसोसिएशंस के लिए काम करता है, वो सारी चीज़ें जो फॉरेन से रिलेटेड है और हमारी इंटरनल इंडियन जो है उसको इम्पैक्ट करती है, इंडियन सर्विसेज को, इंडियन फॉरेन सर्विसेज को, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई है। तो ये जो NGOs हैं, करीब करीब जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी, 13 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं जिनका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, और इनमें से एटलीस्ट 2 तो ऐसी है जिनको पूरी तरीके से जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, वो 2 NGOs जो हैं झारखंड पर बेस्ड हैं। ठीक है, द एमेंडेड FCRA लॉ अलाउज पॉलिटिकल पार्टीज टू रिसीव फंड्स फ्रॉम इंडियन सब्सिडरीज ऑफ अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी से रिलेटेड जो इंडियन सब्सिडरीज हैं, तो उनको FCRA अलाउ करेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो फंड्स रिसीव कर सके इंडिया की बेसिस पे, इंडिया के बिहाफ पे, फॉरेन कंपनी से या फॉरेन इन्वेस्टर्स से। ठीक है, वेयर एन इंडियन होल्ड्स 50% और मोर शेयर, जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा उन कंपनीज, जहाँ पे 50% या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरप्शन है या गवर्नमेंट की होल्डिंग है, वहीं पे जो है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो कौन इन फॉरेन डोनेशंस को रिसीव कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो इम्पैक्ट है या कंडीशन जो है उससे रिलेटेड क्या इम्पैक्ट होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA है क्या, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई है। इससे एक्चुअली ये आर्टिकल जो मैंने यहाँ उठाया है ना, और जितना मैटर मैंने इस आर्टिकल का यहाँ उठाया है, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, उस आर्टिकल का जो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में दी गई है, द हिंदू न्यूज़पेपर के आज के इस आर्टिकल का कुछ पोर्शन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये काफ़ी लंबा आर्टिकल है और काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की गई है। ये जो फॉरेन फंड्स जनरेट होते हैं, इनका NGO से कैसे कांटेक्ट होता है, क्या लेना देना होता है, क्या परसेंटेज पे शेयरिंग होती है फॉरेन लेवल पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना होता है, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारे देश के अंदर, जो पैसा बाहर से NGOs को जो है, या हम कह सकते हैं कि जो हेल्पिंग कॉज के कारण जो पैसा जनरेट किया जा रहा है, जो जो हेल्प के लिए दिया जा रहा है इन NGOs को, वो किस हद तक और किस तरीके से उसे काम लिया जा रहा है, किस हद तक लोगों के लिए हेल्पफुल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। फॉरेन फंड्स को डिस्कस करना आपको ज़रूरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि फॉरेन फंड्स को एक्सप्लेन कीजिए, फॉरेन फंड्स से होने वाले जो इंडियन इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट है उसे एक्सप्लेन कीजिए, उसे डिस्कस कीजिए, और अदर कंट्रीज से रिलेटेड और चाइना से रिलेटेड हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड जो जितना भी पोर्शन है, जितना भी पार्ट है, उसे डिस्कस कीजिए। ठीक है,
सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस, और बहुत छोटा आर्टिकल हमने यहाँ लिया है. आप द हिंदू न्यूज़पेपर को जब पढ़ेंगे तो और भी सारे कंसेप्ट्स इस आर्टिकल से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे. फॉरेन फंड्स जो हैं वो और एनजीओ से उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, और अभी एड्स ऑफ नाउ क्या रेशियो चल रहा है, और उस पैसे को उस रेशियो को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है सरकार द्वारा इकोनॉमिक अपवर्ड्स के लिए, ओके, या इकोनॉमी को अपने ट्रैक पे लाने के लिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की. ईपीएफ वार्निंग्स रिलेटेड टॉपिक, COVID-19 री इन्फेक्टेड फियर है या नहीं है, री इन्फेक्शन से रिलेटेड फियर है या नहीं है, और COVID-19 का जो थर्ड ट्रायल है, थर्ड फेज़ का जो ट्रायल है वो इम्पॉर्टेंट या हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है, और उसी पर सारी चीज़ें क्यों बेस्ड होती है. अरुणाचल प्रदेश के जो 5 यूथ हैं जिन्हें चाइना ने हमें पुनः लौटाया है, तो उनका क्या, उनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ है उसको यहाँ डिस्कस किया गया है, और उनको 14 डेज़ का क्वारंटाइन किया जाएगा, फिर घर पहुँचाया जाएगा. ये चीज़ भी मैंने आपको इस आर्टिकल में बताई है. ठीक है, इसके अलावा इंडिया चाइना जो रिलेशन या स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, उसका इंडिया और चाइना के बीच हो रहे जो व्यापार है उस पर क्या संबंध पड़ेगा. अच्छा, व्यापार जो ऑनलाइन या अदर कंट्री से कंडक्ट कर रहे हैं वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया और चाइना के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो बेस्ड है बॉर्डर एरिया से, सिक्किम और नाथुला ये सारे एरियाज से होते हुए जो भी ट्रेडिंग होती है, ये किस हद तक इम्पैक्ट होगी इस COVID-19 से या हो रही है, और इसका क्या इम्पैक्ट दोनों ही देशों के रिलेशंस के साथ साथ उन लोगों पे पड़ रहा है जो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर थे या जो ऑलरेडी ट्रेडिंग करते थे दोनों देशों के बीच में, एक ट्रेडिंग का मध्यस्थ हुआ करते थे, उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर दिया. बट मैं आपको बता दूँ अगेन, फॉरेन फंड्स और एनजीओ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आप इसे पढ़ेंगे, इसका पूरा एक बहुत बड़ा आर्टिकल है जो आपकी न्यूज़ एनालिसिस न्यूज़पेपर में दे रखा है, जिसको एनालिसिस में ले पाना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, है ना, पूरा का पूरा आर्टिकल लेना. इसलिए मैंने उसका कुछ पार्ट लिया, उसे यहाँ डिस्कस किया है. आप मुझे बताइए कि फॉरेन फंड्स और एनजीओ से क्या जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, या COVID-19 का इन चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर बींग विद मी till the end of this video, and always show your support by just sharing video, like, share or subscribe karna na bhule, bilkul bhi nahi bhuliye, jisse ki aapko regular update milta rahe, and thanks for your love, your dedication and your belief towards us. Bye bye, take care, have a great time ahead.